स्मोक का जिक्र कर रहे हैं, हुकूमती इकदाम का असर, कुदरत भी मेहरबान। 10 रोज बाद लाहौर में सूरज ने मुखड़ा दिखा दिया, स्मोक में वाज़े कमी, एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 2 हफ्तों बाद 1000 से गिरकर 200 पर आ गया। शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में मसनूई बारिश के असरात और हवाओं के रुख में तब्दीली ने हालात पलटे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्मोक से बचाव के लिए ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी है। अवाम से भी तावुन की उनकी जानिब से अपील की गई है, तो हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं और हुकूमती इकदाम के साथ साथ कुदरत भी कुछ मेहरबान रही। 10 रोज बाद लाहौर में सूरज ने अपना चेहरा दिखा दिया और इसके बाद लाहौर के शहरियों ने स्मोक पर SOPs की धज्जियां उड़ाई। पाबंदी के बावजूद भी शहर की मार्केट्स खुली रही, खरीदारी होती रही। लाहौर हाई कोर्ट ने इतवार को बाजार बंद रखने का हुक्म दिया था, आपको याद दिलाए। मुजाहिद जाफरी इसी पर रिपोर्ट करेंगे। लाहौर के शहरियों की स्मोक SOPs पर मैं ना मानू की रट। इतवार के रोज पाबंदी के बावजूद शहर की कुछ मार्केटें खुली रहीं, खरीदारी भी चलती रही। लंडा बाजार में शाम के बाद तिल धरने की जगह न बची। ग्राहकों का कहना है खरीदारी तो करनी है। पता तो था, न्यूज में सुना था कि लॉकडाउन है, पर लॉकडाउन नहीं है। आज छुट्टी थी तो इस वजह से हम आ गए। हमने इधर से शूज लिए हैं, जॉगर लिए हैं और ना कुछ जैकेट वगैरह लिए हैं। हमें ठंड लग रही थी तो हम आ गए जैकेट लेने, वो खरीद लिया, भी जा रहे हैं बस। क्या करें, मजबूरी भी तो है, बच्चों की सर्दी आ रही है, कुछ चीजें वगैरह लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों ने अपनी ही मंतक पेश की। इतवार है, सर्दी शुरू हो गई, लोग शॉपिंग करते इसलिए रश होते। आज तो इतवार का दिन है ना, इस वजह से ज्यादा रश है, स्कूलों की भी छुट्टी है, कॉलेजों की भी छुट्टी है। दिन भर मुख्तलिफ मार्केटों में भी शटर डाउन करके कारोबार चलता रहा। दुकानें बंद थी, आज शॉपिंग करने के लिए शेल्टर खोल देते हैं, हमारे लिए बस शॉपिंग कर लेते हैं। हम शादी की शॉपिंग करने आए हैं और अब शादी की वजह से भी शॉपिंग तो करनी पड़ेगी, पुराने कपड़े तो नहीं ना पहनने हमने। जान तो प्यारी है, शॉपिंग तो करनी है बच्चों की, शॉपिंग ना करेंगे तो फिर बच्चे क्या पहनेंगे। स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया की कार्रवाइयां भी जारी। 24 घंटों के दौरान 18 अफराद को गिरफ्तार करके 12 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मायरा हाशमी के साथ मुजाहिद जाफरी, समा लाहौर। लाहौर और रावलपिंडी में तो सूरतहाल बेहतर हो गई, मगर जनूबी अजला में स्मोक की शिद्दत बरकरार है। बहावलपुर और रहीम यार खान में सूरतहाल तश्वीशनाक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। शहरी आंखों की जलन और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए। अस्पतालों में रश बढ़ गया। 24 घंटों के दौरान 58,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। बड़ी तादाद में दमा, दिल, फेफड़ों और आंखों के मरीज अस्पताल लाए गए। आम खबर, पंजाब में स्मोक के पेश नज़र स्कूल्स, कमर्शियल मार्केट्स और पार्क्स पर पाबंदियों में तौसीह कर दी गई। हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे, क्लासेस ऑनलाइन होंगी। तमाम तर कमर्शियल मार्केट्स की बंदिश में भी 24 नवंबर तक तौसीह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चिड़ियाघर, तारीखी मकामात, प्लेलैंड और अजायब घर 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। स्मोक के रोग ने दुल्हे को भी परेशान कर दिया। SOPs की पाबंदियों की वजह से शेरवानी सिलकर नहीं दे रही। शेरवानी बदलूं या फिर तारीख, स्मोक के रोग ने दुल्हा की परेशानी बढ़ा दी। शादी में रह गए 2 दिन, दूल्हा शेरवानी सिलवाने के लिए इधर उधर भटकने पर मजबूर। 20 तारीख को मेरी शादी है, जिस टेलर को मैंने अपनी शेरवानी दी थी ना, उसको पुलिस पकड़ के ले गई है। अब पंजाब हुकूमत बताए मेरी शादी का कौन जिम्मेदार है। शादी वक्त पर हो जाए, कितने जतन किए। पहले इन लोगों ने टाइम दिया शादी हाल को, हमने दिया 10 बजे का, इन लोगों ने ऐलान कर दिया कि 8 बजे के बाद शादी हाल बंद कर देंगे। स्मोक से छुटकारा पाने के लिए हुकूमती इकदाम, बेचारे दुल्हा के गले पड़ गए।